दोस्तों, अक्सर बॉलीवुड वेडिंग्स हमेशा से ही चर्चा का विषय रहता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि वेडिंग्स के अलावा डिवोर्स के लिए भी बॉलीवुड काफी फेमस है? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही बॉलीवुड डिवोर्सेस के बारे में जो काफी महंगे और चर्चित रहे। आज हम बॉलीवुड के 10 ऐसे डिवोर्सेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके लिए इन सितारों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता के तुरंत बाद साल 2000 में ऋतिक रोशन और सुजैन ने शादी कर ली। इस जोड़ी की गिनती बॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ियों में की जाती थी, लेकिन 13 साल बाद ऋतिक रोशन ने तलाक का फैसला किया। सुजैन खान ने एलिमनी के रूप में 400 करोड़ रुपए की मांग की, जिसके बाद ऋतिक रोशन को 380 करोड़ रुपए देने पड़े थे। यह बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक है। हालांकि दोनों के तलाक लेने की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कहा जाता है कि दोनों के बीच दरार की वजह फिल्म काइट्स के दौरान ऋतिक और बारबरा मोरी के बीच बढ़ती नजदीकियां थी। इसके अलावा उनका कंगना रनौत के साथ भी अफेयर चल रहा था, लेकिन ऋतिक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। आमिर खान और रीना दत्ता। साल 1986 में आमिर खान ने परिवार की सहमति के बिना रीना दत्ता से शादी कर ली, लेकिन 16 साल बाद साल 2002 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। आमिर खान के लिए यह तलाक काफी महंगा साबित हुआ था। इस तलाक के मुआवजे के तौर पर आमिर खान को 50 करोड़ रुपए देने पड़े। यह भी बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक में से एक है। उनके दो बच्चे हैं, ईरा और जुनैद, जो अब रीना दत्ता के साथ ही रहते हैं। साल 2005 में आमिर खान ने किरण राव से दूसरी शादी की, लेकिन 16 साल बाद साल 2021 में उन्होंने किरण राव से भी तलाक ले लिया। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है आजाद राव खान। सैफ अली खान और अमृता सिंह। बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक में अगला नाम सैफ अली खान और अमृता सिंह का आता है। साल 1991 में सैफ अली खान ने अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के 13 साल बाद साल 2004 में उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद एलिमनी के तौर पे 500 करोड़ रुपए उन्होंने अमृता सिंह को दिए थे, जिसमें उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तलाक के लिए गुजारा भत्ता की राशि 5 करोड़ रुपए तय की गई थी, जिसमें उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं और बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने 1 लाख रुपए देते हैं। दोनों के दो बच्चे हैं जिनका नाम है सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। सारा अली खान को तो आप सब जानते ही होंगे, जो आजकल बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। तलाक के बाद साल 2012 में सैफ अली खान ने करीना कपूर से दूसरी शादी की। करीना और सैफ के दो बेटे हैं जिनका नाम है तैमूर और जहांगीर। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। करिश्मा कपूर की सगाई पहले अभिषेक बच्चन से हुई थी, लेकिन किसी वजह से ये शादी नहीं हो पाई। अभिषेक बच्चन से शादी टूटने के बाद करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली, लेकिन शादी के 13 साल बाद उन्होंने साल 2016 में संजय कपूर से तलाक लेने का फैसला किया। एलिमनी के तौर पर 14 करोड़ रुपए का समझौता हुआ, जिसके तहत संजय कपूर करिश्मा को हर महीने 10 लाख रुपए देते हैं। इस राशि का उपयोग उनके दोनों बच्चों के भरण पोषण में किया जाता है। संजय कपूर की करिश्मा कपूर से यह दूसरी शादी थी। फरहान अख्तर और अधूना। फरहान अख्तर और अधूना भवानी ने अपनी 16 साल की शादी को खत्म करते हुए तलाक लेने का फैसला किया। उनके प्रशंसकों के लिए यह हैरान करने वाला फैसला था। गुजारा भत्ता के रूप में अधूना को मुंबई में 1000 वर्ग फुट में बना बंगला मिला। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटियों के भरण पोषण के लिए मोटी रकम की मांग की थी। अधूना एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट है जो बी ब्लंट सैलून की मालकिन है। दोनों ने आपसी मतभेदों के चलते तलाक लेने का फैसला किया था। उनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम है शाकिया अख्तर और अकीरा। दोनों की पहली मुलाकात साल 1997 में एक नाइट क्लब में हुई थी। 3 साल डेट करने के बाद साल 2000 में फरहान अख्तर ने अपने से 6 साल बड़ी अधूना से शादी की। शादी के 16 साल बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया।
संजय दत्त और रिया पिल्लई। साल 1998 में संजय दत्त ने रिया पिल्लई से दूसरी शादी की। संजय दत्त रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया पिल्लई का अफेयर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ था, इसलिए साल 2005 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए के अलावा एक महंगा अपार्टमेंट और एक लग्जरी कार एलिमनी के तौर पर रिया को दिया। संजय दत्त का कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रहा है और उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की। उनकी पहली शादी अभिनेत्री ऋचा शर्मा से साल 1987 में हुई थी और उनकी एक बेटी है त्रिशला, जो अमेरिका में ही अपने नाना नानी के पास रहती है। ऋचा शर्मा का निधन साल 1996 में कैंसर की वजह से हो गया था। आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना। मशहूर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने साल 2001 में पायल खन्ना से शादी की थी, लेकिन उन्होंने 8 साल बाद साल 2009 में पायल खन्ना को तलाक दे दिया। इस तलाक के लिए आदित्य चोपड़ा को गुजारा भत्ता के तौर पर 50 करोड़ रुपए देने पड़े थे। तलाक के बाद साल 2014 में आदित्य चोपड़ा ने जानी मानी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से शादी कर ली। उनकी एक बेटी है जिसका नाम अदेरा है। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने करीब 5 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1998 में शादी की थी, लेकिन शादी के 19 साल बाद दोनों ने साल 2017 में तलाक लेने का फैसला किया। इस तलाक के लिए अरबाज खान को गुजारा भत्ता के रूप में 15 करोड़ रुपए देने पड़े थे और इस तरह से यह तलाक बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक की लिस्ट में शामिल हो गया। तलाक के बाद इन दिनों मलाइका अर्जुन कपूर से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं, तो वहीं अरबाज खान अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। सोहेल खान और सीमा सचदेव। साल 1998 में अभिनेता सोहेल खान और फैशन डिजाइनर सीमा सचदेह ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। शादी के 24 साल बाद तलाक लेने के उनके फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया। उनके 2 बच्चे हैं, योहान और निर्वाण। सीमा सचदेह ने गुजारा भत्ता के रूप में मोटी रकम की मांग की है, हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि यह रकम कितनी है। सोहेल और सीमा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सीमा दिल्ली से है, लेकिन फैशन में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। दोनों की पहली मुलाकात चंकी पांडे की एंगेजमेंट पार्टी में हुई थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों का धर्म अलग था, इसलिए दोनों के परिवार शादी के लिए राजी नहीं थे। सीमा अपने घर से भागकर सोहेल खान के पास आ गई। आधी रात को मौलवी का किडनैप कर दोनों का निकाह कराया गया। अनुराग कश्यप और कल्की कोचलिन। साल 2011 में डायरेक्टर अनुराग ने एक्ट्रेस कल्की से शादी की। इनकी पहली मुलाकात फिल्म देवदी के सेट पर हुई थी। शादी के 4 साल बाद साल 2015 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अनुराग कश्यप को गुजारा भत्ता के तौर पर मोटी रकम चुकानी पड़ी, हालांकि रकम की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।